नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टायर वितालुंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नारायण। कैसे हैं आप लोग और कैसे आपकी तैयारी चल रही है? हम आज बात करने आए हैं आपसे उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण परीक्षा सुपर टेट। हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चों ने विश्वास जताया था हमारे ऊपर और TET में हमारे यहाँ एडमिशन लिया और हमने उनके साथ मेहनत की। उसके बाद कई लगभग हमने 95% रिजल्ट दिया। उसके बाद अब बारी आती है मुख्य परीक्षा यानी सुपर टेट की। तो सुपर टेट में अब जैसे देख रहे हैं आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं और बैच भी संचालित किया जा रहा है। हालांकि अभी उस बैच में कुछ ही क्लासेस चल रही हैं, 2-4 क्लासें ही चल रही हैं, 5 क्लास चल रही हैं, ठीक ना। और लेकिन इस धीरे धीरे 1-2 दिन में सारी क्लासें कंटिन्यू कर ली जाएंगी। केवल इसलिए अभी ठहरा गया था कि अभी और इच्छुक जो भी विद्यार्थी हों जो अभी भटक रहे हैं इधर उधर वो हमारे पास आ जाए। चलिएगा तो प्रारंभ करते हैं हम। गौरव नारायण मेरा नाम है और मैं आपको भूगोल एवं पर्यावरण समझाऊंगा। तो अगर हम आज एक टॉपिक पे बात करने आए हैं आपसे और जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? तो जो हमारा टॉपिक है आज का, इस टॉपिक का नाम है भूकंप। टॉपिक हमारा क्या है? तो हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है भूकंप। इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। अगर हम इसको इसका अर्थ निकालें तो यह भू है और भू का अर्थ क्या है? तो भू का अर्थ है पृथ्वी और कंप का अर्थ क्या है? तो इस कंप का अर्थ है कंपन, अर्थात पृथ्वी के कंपन करने को भूकंप कहा जाता है। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, हर एक विद्यार्थी जानता होगा पृथ्वी के कंपन करने को भूकंप कहा जाता है। अब बात ये उठती है कि पृथ्वी आखिर कंपन करती क्यों है या भूकंप आते कैसे हैं? तो अगर हम भूकंप आने की बात करते हैं तो भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के 2 कारण हैं। एक तो मानव इसका कारण है, मानव, और मानव के द्वारा जो भूकंप आएंगे उनको नाम दे दिया जाता है मानव जनित भूकंप, मानव जनित भूकंप। और दूसरा प्रकृति के द्वारा जो भूकंप आएंगे उनको नाम दे दिया जाएगा प्राकृतिक भूकंप, मानव जनित और प्राकृतिक। अगर हम मानव जनित भूकंप की बात करें तो मानव के द्वारा पर्यावरण से दिन प्रतिदिन की जाने वाली छेड़छाड़, ठीक ना, और उस छेड़छाड़ का परिणाम निकलता है भूकंप। उदाहरण के तौर पर कोई नदी है, हम उस नदी पर डैम बना देते हैं, बांध बना देते हैं, और जब अचानक से बांध फट जाता है, जितनी बांध की क्षमता है पानी धारण करने की उससे जब अधिक उसमें पानी हो जाता है तो बांध क्या हो जाता है, बांध फट जाता है। और जब बांध फटते हैं तो तेज गति से पानी नीचे गिरता है, धरातल पर गिरता है, और एक सीमित क्षेत्र में क्या हो जाता है, भूकंप। याद रखिएगा मानव के द्वारा जो भूकंप आएंगे वो एक क्षेत्र विशेष में सीमित होंगे, यानी मानव के द्वारा एक लोकल एरिया में भूकंप आएंगे। तो मानव जनित भूकंप में एक हम लिख लेंगे बांध का फट जाना, बांध का फटना, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बांध का फटना। उसके बाद लगातार मानव के द्वारा वृक्षों का काटा जाना, और वृक्षों के काटने से क्या होता है, धरातल क्या हो जाता है, धरातल नीचे धस जाता है। अगर बार बार हम वृक्षों को काटते रहेंगे तो वृक्षों को काटने से प्रकृति का असंतुलन बिगड़ जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, और धरातल नीचे धस जाता है, और धरातल के नीचे धसने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। तो भूस्खलन देखा जाए तो मानव नहीं करता है, लेकिन भूस्खलन मानव के द्वारा ही होता है, ठीक ना, एक प्राकृतिक घटना भी कह सकते हैं। तो बांध का फटना, ठीक ना, भूस्खलन होना, ये सभी मानव जनित भूकंप है, ठीक ना। अगर हम प्राकृतिक भूकंप की बात कर रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा कैसे भूकंप आते हैं, तो यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, यानी मैंने सुपरटेट में तो नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी में मैंने हिमालय की उत्पत्ति समझाई थी, और हिमालय की उत्पत्ति समझाते समय मैंने बताया था कि एक सिद्धांत है जिसका नाम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया कि जो प्लेट हैं अर्थात जो हमारे महाद्वीप हैं, ये 3 प्रकार से गति कर रहे हैं, या तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या एक दूसरे से कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या फिर ये प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के समांतर गति कर रही हैं। एक दूसरे के कहाँ गति कर रही हैं, एक दूसरे के समांतर गति कर रही हैं। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करेंगी, या जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी, या दो प्लेटें जब पहले जुड़ी हुई हैं फिर अलग होंगी,
तो उनमें संचलन की प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसे संचलन को विवर्तन की संचलन कहा जाता है और विवर्तन की संचलन से उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवर्तन की भूकंप कहा जाता है। तो प्लेटों में होने वाले संचलन, प्लेटों में होने वाले संचलन भी भूकंप का कारण हो सकते हैं। और बात यह है कि विश्व में अधिकांश भूकंप प्लेटों के संचलन के कारण ही आते हैं। विश्व में अधिकांश भूकंप प्लेटों के संचलन के कारण ही आते हैं, ठीक ना। तो हम यहां पर लिख देंगे प्राकृतिक भूकंप में क्या हो जाएगा, प्लेटों का खिसकना या प्लेटों का संचलन लिख दे रहा हूं मैं, किसी भी प्रकार से संचलन कर सकती है। यदि प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, यदि प्लेटें एक दूसरे से के पास आती हैं तो उसको अभिसारी संचलन कहा जाता है, और जब एक दूसरे से प्लेटें दूर जाती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहा जाता है, और जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं तो उसे समानांतर संचलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समानांतर संचलन कहा जाता है, ठीक ना। प्लेटों का संचलन ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है भूकंप आने का। उसके बाद आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है और टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैंने आपको बताया ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सेंटर है। यहाँ पर हम और आप है, यहाँ पर हम और आप है, यानी ये क्या है, ये धरातल है। और हमने आपको बताया था जैसे जैसे हम अंदर की परतों में जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, और टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। अगर हम बात करें ऊष्मा क्या होती है, तो वास्तव में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा एक तरंग होती है। तो पृथ्वी के अंदर तरंग की उत्पत्ति हो जाती है, और यह तरंग जब पृथ्वी के अंदर से होते हुए बाहर आती है, जब यह तरंग पृथ्वी के अंदर से होते हुए बाहर आती है, तो जब ये बाहर निकलती है तो यहाँ पर जो पिंड होते हैं उन पिंड में क्या कर देती है, उन पिंड में विस्थापन कर देती है। हमने आपको बताया था कि पृथ्वी चट्टानों से निर्मित है और पृथ्वी ठोस है। पृथ्वी चट्टानों से निर्मित है और साथ ही साथ पृथ्वी ठोस है, अर्थात पृथ्वी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इस प्रकार से कई सारी चट्टानी पिंड हैं, यहाँ पर इस प्रकार से कई प्रकार के शिलाखंड हैं, चट्टानें हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता है, यानी दरार नहीं पाई जाती है। जब यहाँ से तरंग की उत्पत्ति होगी तो ये तरंग कहाँ से निकलेगी, तो तरंग हमेशा वहाँ से निकलेगी जहाँ पर दो चट्टानों के मध्य में ज्वाइंट होता है, जहाँ पर दो चट्टानें जहाँ पर आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब यहाँ से जहाँ पर दो चट्टानें आपस में जुड़ी हुई हैं ऐसे होते हुए ऊष्मा ये जब बाहर निकलती है, जब ये ऊष्मा बाहर निकलती है तो इन पिंडों को क्या करती है, विपरीत दिशा में विस्थापित कर देती है, और जब इन पिंडों को विपरीत दिशा में विस्थापित कर देती है तो क्या हो जाता है, संचलन उत्पन्न हो जाता है। इसी संचलन को विवर्तनिकी संचलन या इसी को भूकंप कहा जाता है, ठीक ना। तो पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर ऊष्मा या ऊर्जा या तरंग की उत्पत्ति होना भी भूकंप का एक कारण है। और ऐसी तरंगें जिनके द्वारा भूकंप आता है उन तरंगों को हम एक नाम दे देते हैं, और नाम दे देते हैं भूकंपीय तरंग, ठीक ना। चलिएगा, तो यहां पर एक और हो गया, यहां पर जो हम पॉइंट लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों में ऊर्जा के ब्रैकेट में लिख लेंगे तरंग की उत्पत्ति। आप देखिएगा तरंग की उत्पत्ति, आप समझिए मेरी बात। होता क्या है कि ऊर्जा या तरंग की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक ना। आपके सिलेबस में अगर हम सुपरटेट के सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आपके में लिखा है भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल, ज्वालामुखी भूकंप, साथ ही साथ सबसे नीचे एक पॉइंट लिखा है प्राकृतिक आपदा एवं उसका संरक्षण, ठीक ना, प्राकृतिक आपदा एवं उससे बचाव, ठीक ना, और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। तो हम जिस इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उनका आप किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे, इसको आपदा प्रबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
आपदा प्रबंधन कहा जाता है। मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक क्षेत्र विशेष में भूकंप आता है, आप क्या कार्य करेंगे? तो हम चेतावनी देंगे, हम उस क्षेत्र की जनता को या चेतावनी देंगे कि कुछ समय के बाद या आने वाले समय में यहाँ पर तीव्र गति से संचलन होने वाला है उस मानव बस्ती में, वहां पर जाकर वहां के लोगों को किसी दूर जगह पर ले जाएंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिएगा कोई बिल्डिंग में फंस गया है तो उसे कहेंगे कॉर्नर में छिप जाइएगा, या कोई मेज है मेज के नीचे छिप जाइए। तो ये सब आपको अपने आप से सोचने हैं कि भूकंप आएगा तो हम क्या 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 उपाय कर सकते हैं। और देखिएगा, केवल इसके लिए मत पढ़िएगा कि हम पढ़ेंगे ही हमारे एग्जाम में आएगा। कई बार आपको ऐसा भी पढ़ना होता है, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं जैसे कि मैं हूँ, आप भी एक शिक्षक बनेंगे या प्राइमरी के बनेंगे या जूनियर के बनेंगे, अंतर इतना है मैं प्राइमरी जूनियर का नहीं हूँ, मैं आपका शिक्षक हूँ, ठीक ना। तो जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो अपनी बातों से बच्चों को किस प्रकार से आप आकर्षित कर सकते हैं, बच्चों को कैसे अपनी बातें सिखा सकते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लेडीज थी और बिहार से, और उन्होंने बताया कि हमारा हाथ भी कैलकुलेटर है। उनका वह वीडियो शाहरुख खान साहब के साथ साथ आनंद महिंद्रा जी ने भी उनका वीडियो वायरल किया था और उनकी तारीफ की थी। तो ये उन्होंने कहीं पर किताब में तो पढ़ा नहीं होगा ऐसा, उन्होंने खुद अपने आप से इस चीज को समझा होगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। यही बात आपको समझनी होगी, और जब ऐसा आप करने लगेंगे तो दुनिया आपको जानने लगेगी, ठीक ना। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपदा प्रबंधन होता क्या है, और साथ ही साथ क्लास में आपसे मैं इस बात के लिए कहूंगा लाइव जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये तो अभी रिकॉर्डिंग है आपके पास, जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा बाबू बताओ कि आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एक क्षेत्र विशेष में भूकंप आने वाला है क्या करेंगे, बाढ़ आने वाली है क्या करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक ना। तो इसको अभी से सोचते हुए चलना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो न केवल हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं बल्कि अपने विकास के दृष्टिकोण से भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक ना। चलिएगा, तो ये हमने भूकंप आने के कारण बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में ऊर्जा या तरंग की उत्पत्ति, आइए इसी को हम समझते हैं। चलिए, ये हमने बताया कि जैसे जैसे आप अंदर की परतों में जाएंगे, तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के कारण के साथ साथ किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, तरंग, और इन्हीं तरंगों के द्वारा भूकंप आएगा, इसलिए इन तरंगों को एक नाम दे दिया जाएगा, और नाम दे दिया जाता है भूकंपीय तरंग, इंग्लिश में सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, भूकंपीय तरंग। जहां से भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है, इसे भूकंप मूल, यानी फोकस कहा जाता है, भूकंप मूल, या साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है, इसको फोकस कहा जाता है। और इसका एक नाम और है अधिकेंद्र, क्या का नाम है, अधिकेंद्र, इंग्लिश में हाइपोसेंटर, ठीक ना, जहां से तरंग की उत्पत्ति होती है। अब समझिए हमारी बात, तरंग की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, लेकिन फोकस पर क्या होती है, फोकस पे संचलन नहीं होता है, फोकस जहां पर है पृथ्वी केंद्र में, यहाँ पर संचलन नहीं होगा। और यहाँ पर संचलन क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर संचलन मेरे बाबू इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर है, और ऊपर वाला पिंड नीचे वाले पिंड पर, उसके बाद उसके नीचे वाले पिंड पर, ए इससे नीचे वाले, यानी ऊपर वाले पिंड नीचे वाले पिंडों पर क्या डाल रहे हैं, ऊपर वाले पिंड नीचे वाले पिंडों पर दबाव डालते हैं, और जब ऊपर वाले पिंड नीचे वाले पिंडों पर दबाव डालते हैं, तो अंदर की परतों में जाने पर किसमें वृद्धि होती जाती, प्रेशर, अर्थात यहाँ पर इतना अधिक प्रेशर होता है कि यहाँ के पिंड चाहे करके भी संचलन नहीं कर पाते। आइएगा, इसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, ये उदाहरण बड़ा अच्छा है और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने कई बार देखा होगा जैसे अभी होली वगैरह आ रही है, हमारे यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है होली में हम लोग क्या करते हैं गांव वगैरह में, मैंने भी ये कई बार किया है, मटकी फोड़ कार्यक्रम खेला जाता है। एक ऊपर मटकी टांग दी जाती है, मटका, ठीक ना, घड़ा, उसमें हम गुलाल वगैरह भर देते हैं, रंग भर देते हैं, और उसको तोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं। एक ऊंचाई पर है, यहाँ नीचे हमने 10 व्यक्तियों को खड़ा किया, इन 10 व्यक्तियों के ऊपर हमने 8 व्यक्तियों को खड़ा किया, 8 के ऊपर यहाँ पर 6 व्यक्ति आए,
यहां पर इनके ऊपर चार व्यक्ति खड़े हो गए, यहां पर दो व्यक्ति और सबसे ऊपर एक, और एक जो सबसे ऊपर जाएगा वही पत्थर से या हाथ से क्या करेगा उस घड़े को फोड़ देगा, चलेगा। ये ऐसा ही समझिएगा, यहां पर मान लीजिएगा एक म्यूजिक सिस्टम है, यहां पर एक म्यूजिक सिस्टम, यहां पर साउंड है, जब ये साउंड बजेगा तो तरंग निकलेगी, कौन सी तरंग निकलेगी, ध्वनि तरंग। आप बताइएगा ये जो ऊपर वाला है ए कंपन करेगा यानी ए नृत्य कर सकता है, या जो 10 लोग नीचे खड़े हैं वह नृत्य कर सकते हैं, चाहे करके भी जो 10 व्यक्ति नीचे खड़े हुए हैं ये नृत्य नहीं कर सकते। ये नृत्य बाबू मेरे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाले व्यक्तियों का इन पर क्या है, इन पर दबाव है, इन पर क्या है, इन पर प्रेशर है ऊपर वाले व्यक्तियों का, और ऊपर वाले व्यक्तियों का प्रेशर होने के कारण ये चाहे कर भी कंपन नहीं कर सकते, और ऊपर वाला जो सबसे टॉप पर होगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंपन नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार का कोई कंपन ना होने के कारण वहां पर किसी भी प्रकार वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना होने के कारण वो आराम से क्या कर सकता है, आराम से नृत्य कर सकता है, आराम से क्या कर सकता है, संचलन कर सकता है। समझ गए, वही बात यहां पर होती है, वही बात यहां पर होती है कि जो अंदर भूकंप मूल है यहां पर ऊपर वाली पिंडों का बहुत ज्यादा दबाव होता है, और दबाव होने के कारण ही क्या होता है, यहां पर कंपन नहीं होता है। लेकिन जैसी जैसी तरंग ऊपर जाएगी, जब ये ऊपर पहुंचती है तो जहां पर इसके द्वारा कंपन होता है उस क्षेत्र को अवकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवकेंद्र कहा जाता है, इंग्लिश में इसको इपी सेंटर कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया जाता है, इपी सेंटर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको इपी सेंटर कहते हैं। तो भूकंप मूल से तरंग की उत्पत्ति होगी, लेकिन संचलन सबसे पहले कहां पर होगा, तो संचलन कहां पर होगा, अवकेंद्र पर। और याद रखना है कि जो अधिकेंद्र यानी फोकस मूल या भूकंप मूल और जो आपका अवकेंद्र होंगे ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पर होंगे, यानी अवकेंद्र और अधिकेंद्र, अवकेंद्र और अधिकेंद्र हमेशा समकोण की स्थिति पर होते हैं। अगर यहां पर अधिकेंद्र होगा, फोकस मूल होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अवकेंद्र होगा। आप देखिएगा जब भी भूकंप आएगी, आप देखिएगा सुनिएगा आता है न्यूज़पेपर में कि जहां पर भूकंप आया वहां से 10 मीटर 50 मीटर 2 किलोमीटर की गहराई पर क्या पाया गया, भूकंप मूल पाया गया। तो भूकंप मूल इसी प्रकार से बनते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगों पर। सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगों पर वार्तालाप करते हैं। तो यहां पर वार्तालाप करने से पहले एक आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9125423936। यदि आप हमारे सुपर टेट बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ मेहनत करके एक अच्छी रैंक लाकर अध्यापक बनना चाहते हैं, तो इस नंबर पर 9125423936 पर आपको इंटरी सुपर टेट लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर देना है। हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपको एडमिशन का प्रोसेस बता दिया जाएगा, और आप एडमिशन ले लीजिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ। आइएगा हम समझते हैं भूकंपीय तरंग, क्या समझते हैं हम यहां से, भूकंपीय तरंग, इंग्लिश में सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की, तो भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पहली प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंगों इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, इसलिए हम इसका एक नाम और हो गया, इसका नाम हो गया प्राथमिक पी तरंग। तो प्राथमिक का मतलब होता है क्या, प्राथमिक का मतलब पहले होता है, तो प्राथमिक का मतलब पहले होता है, तो सबसे पहले जिन तरंगों की उत्पत्ति होती है उन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। तो उत्पत्ति सबसे पहले, उत्पत्ति तीन प्रकार की तरंग है, इनकी उत्पत्ति सबसे पहले, उत्पत्ति उत्पत्ति सबसे पहले होती है, उत्पत्ति सबसे पहले होती है, ठीक ना। दूसरी बात, इन पी तरंगों की जो गति है, गति सबसे अधिक होती है, गति क्या होती है, गति सबसे अधिक होती है। गति का मतलब है इनकी चाल, इनकी चाल बहुत तेज गति से चलती हैं, ठीक ना। उसके बाद इनकी तीव्रता सबसे कम होती है। गति और तीव्रता में अंतर, तीव्रता का मतलब होता है कंपन करने की दर, तीव्रता का अर्थ यहां पर क्या है, तो यहां पर तीव्रता का अर्थ होता है कंपन करने की दर। तो तीव्रता इनकी क्या होती है, तीव्रता इनकी सबसे कम होती है,
तीव्रता सबसे कम, ठीक ना। जो पी तरंग है ये तीनों माध्यम में चल सकती हैं, तीनों माध्यम में गमन करती है, तीनों माध्यम में गमन करती है। अगर हम बात करें कि तीन माध्यम कौन से हैं आपके, तो तीन माध्यम हमारे होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। तीनों माध्यम में गति करती हैं, ठोस में भी गति करती हैं, द्रव में भी गति करती हैं, और किस में गति करती हैं, और गति करती हैं किस में, गैस, ठोस, द्रव और गैस में गति करती हैं। कौन सी तरंग है, पी तरंग है, ठीक ना। पी तरंग के बाद जिस तरंग की उत्पत्ति होती है उस तरंग का नाम है द्वितीयक तरंग। पी तरंग के बाद जिन तरंगों की उत्पत्ति होती है उन तरंगों का नाम है द्वितीयक तरंग, ठीक ना। और द्वितीयक को इंग्लिश में सेकेंडरी बोलते हैं, द्वितीयक तरंग, द्वितीयक को इंग्लिश में सेकेंडरी बोलते हैं, इसलिए इनका एक नाम और हो जाता है एस तरंग। इनका एक नाम क्या हो जाता है, इनका एक नाम हो जाता है एस तरंग। चलिए, इनका एक नाम क्या हो जाता है, एस तरंग। यहां पर पी तरंगों में एक चीज और लिख लीजिएगा, ये जो पी तरंग है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ठीक ना, और ध्वनि तरंग के समान कार्य करती है, एवं ध्वनि तरंग के समान, ध्वनि तरंग के समान क्या करती है, कार्य करती है, ध्वनि तरंग के समान क्या करती है, कार्य करती है। अगर हम इनको बनाएं कि पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे सीधी चलती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे सीधी चलती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, ठीक ना। चलिए, अब पी तरंगों के बाद जिन तरंगों की उत्पत्ति होती है उनको द्वितीयक तरंग या एस तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, तो उनको द्वितीयक तरंग या एस तरंग के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इनकी उत्पत्ति पी तरंग के बाद होती है, इनकी उत्पत्ति जो है वो क्या होती है, पी तरंग के बाद। गति पी से कम, गति पी तरंग से कम, गति पी तरंग से कम, एवं तीव्रता पी तरंग से अधिक होती है। एवं तीव्रता क्या होती है, तो तीव्रता पी तरंग से अधिक, ठीक ना। द्वितीयक तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग की भांति कार्य करती हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग की भांति, अनुप्रस्थ तरंग की तरह कार्य करती हैं। और अगर हम बात करें कि अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलती हैं, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। ऊपर उठे वाले भाग को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले भाग को गर्त कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को श्रृंग और नीचे वाले भाग को गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंग का अगर एक उदाहरण पूछा जाए तो जल तरंग या रस्सी तरंग, जल तरंग या रस्सी तरंग, ठीक ना। आपने देखा होगा जैसी कोई तालाब वगैरह होता है, आप उसमें पत्थर फेंकते हैं तो वह ऐसे हिलोरे मारते हुए चलता है, ऐसे हिलोरे मारते हुए चलता है, उसी को हम अनुप्रस्थ या जल तरंग या क्या बोलते हैं, रस्सी। रस्सी कहीं मंगदी होती है, आप ऐसे झटके मारिएगा तो वह ऐसे ऐसे चलती है रस्सी, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक ना। तो इनके द्वारा जो है वो पी से अधिक तीव्रता के भूकंप आएंगे, ठीक ना। उसके बाद दो तरंगे होंगी हमारी, पी तरंग और कौन सी तरंग, तो पी तरंग और हो गई हमारी और एस तरंग। देखिएगा, ए मान लीजिएगा ये पी तरंग निकली और पी तरंग के बाद मान लीजिएगा यहां से एस तरंग निकली, तो पी और एस तरंग गमन करती हैं और सतह के समीप, पी और एस तरंग धरा अंदर की परतों से होते हुए आती हैं और सतह के समीप मिल जाती हैं। और पी और एस तरंग के सतह के समीप मिलने से, पी और एस तरंग के सतह के समीप मिलने से एक नई तरंग का निर्माण हो जाता है जिसको सतही तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतही तरंग। और इन सतही तरंगों की खोज एच डी लव नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इन तरंगों को एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो हम अगला लिख लेंगे, सतही तरंग या इन्हीं को एल तरंग कहा जाता है, सतही तरंग या एल तरंग, ठीक ना। पी एवं एस तरंग के, पी एवं एस तरंग के
सतह के समीप, सतह के समीप पी एवं एस तरंग के सतह के समीप मिलने से उत्पत्ति होती है। अगर हम सतही तरंगों के खोजकर्ता की बात करें कि इनके खोजकर्ता कौन से हैं, तो सतही तरंगों के खोजकर्ता की बात करते हैं तो सतही तरंगों के जो खोजकर्ता हैं वो एच डी लव नामक वैज्ञानिक हैं। इसलिए इन तरंगों को एक नाम और दे दिया जाता है, और नाम दे दिया जाता है एल तरंग। क्या नाम दे दिया जाता है? नाम दे दिया जाता है एल तरंग, ठीक ना। एल तरंग की गति जो है वो सबसे कम, एल तरंग की गति सबसे कम एवं तीव्रता सबसे अधिक होती है, एवं तीव्रता सबसे अधिक, और तीव्रता सबसे अधिक होने के कारण ही, तीव्रता सबसे अधिक होने के कारण ही तेज या अधिक तीव्रता के अधिक तीव्रता के या विनाशकारी अधिक तीव्रता के या विनाशकारी क्या आते हैं? विनाशकारी भूकंप आते हैं। अधिक तीव्रता के या विनाशकारी भूकंप आते हैं किन तरंगों के द्वारा? एल। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक तीव्रता के भूकंप किन तरंगों के द्वारा आते हैं, तो सबसे अधिक तीव्रता के भूकंप एल तरंग या सतही तरंग के द्वारा आते हैं। सतही तरंग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सतह के समीप चलती है, सतह के समीप चलती है इसलिए सतही तरंग, ठीक ना। तो ये है, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक तीव्रता की भूकंप या विनाशकारी भूकंप किन तरंगों के द्वारा आते हैं, तो जिन तरंगों के द्वारा आते हैं उन तरंगों का नाम है एल तरंग या सतही तरंग, ठीक ना। चलेगा उसके बाद, अब ये तो हमने भूकंप ला दिया, ठीक ना, भूकंप ला दिए। तो भूकंप को मापने के कई सारे यंत्र हैं, जैसे मार्केली स्केल है, रेक्टल स्केल है, सिस्मोग्राफ है, ठीक ना। सिस्मोग्राफ हिंदी में भूकंप लेखी कहा जाता है, सिस्मोग्राफ हिंदी में भूकंप लेखी। तरंग की तीव्रता, हमें यहां से दो चीजें पता चलाते हैं कि कौन सी तरंग आई। अगर तीव्रता अधिक है तो हम समझेंगे कि तीव्रता अधिक तो एल आई, और कम है तो पी आई, ठीक ना। तरंग की तीव्रता एवं तरंग का प्रकार, तरंग का प्रकार ज्ञात किया जाता है, तरंग का प्रकार, तरंग की तीव्रता एवं तरंग का प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक रेक्टल स्केल होता है, रेक्टेल भी बोलते हैं, रेक्टल भी बोलते हैं, इसके द्वारा भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और मार्केली स्केल, सॉरी, जो सिस्मोग्राफ है इसका अगर हम मानक लिखें तो 0 से 9 तीव्रता तक मार सकते हैं। रेक्टर स्केल की भी एक कहानी होती है, तरंग की तीव्रता मापते हैं और इसका पैमाना वो होता है जो वो 0 से 10 के मध्य, 0 के 10 के मध्य होता है। उसके बाद एक मार्केली महोदय थे, उनके द्वारा एक स्केल बनाया गया जिसको नाम दे दिया गया मार्केली स्केल। स्केल मतलब एक पैमाना, और मार्केली स्केल के माध्यम से भी हम तरंग की तीव्रता मापते हैं, और इसके द्वारा 0 से 11 तक की हम तीव्रता को माप सकते हैं। 0 से लेके कहाँ तक की? तो 0 से लेके 11 तक की तीव्रता को मापते हैं, ठीक ना। तो ये आपका भूकंप था। अब कौन कौन से क्षेत्र भारत में भूकंप से प्रभावित हैं, कौन कौन से क्षेत्र भारत से भूकंप से प्रभावित हैं? तो अभी वर्तमान समय में भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, वर्तमान समय में भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके पहले 5 भूकंपीय क्षेत्र हुआ करते थे, जिसमें से जोन एक को हटा दिया गया, मतलब भारत में 5 जोन हुआ करते थे, ठीक ना। भूकंप के 5 जोन थे, जोन 1, जोन 2, 3, 4, 5। और जैसे जैसे यहां से जोन 1 से जोन 5 की ओर जाएंगे भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी, भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी,
भूकंप की तीव्रता क्या हो जाए होती जाएगी, वृद्धि होती जाए, मतलब जो क्षेत्र, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा एक, ठीक ना, डायग्राम बनाऊंगा मैं एक, जहां पर जोन 5 लिखा होगा वो अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र होगा, जहां पर भूकंप की बारंबारता बार बार आने की संभावना होगी, साथ ही साथ अधिक तेज गति से भूकंप आते होंगे। और जहां पर जोन एक को अब समाप्त कर दिया गया, अब जोन एक नहीं है, तो अगर प्रश्न ये बनता है कि भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं या कितने भूकंपीय जोन हैं, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन से? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ठीक ना, एक को हटा दिया गया, ठीक ना। तो अब जो 2 है वो कम तीव्रता वाला क्षेत्र होगा और 5 है वो सबसे अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र होगा। देखिएगा, एक मानचित्र है हमारे पास, एक मानचित्र है, और इस मानचित्र में यह डायग्राम के द्वारा समझाया गया, ठीक ना। भारत के लगभग 59%, भारत के अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लेवल टू सेमिक हाजर्ड डैमेज, ठीक ना। यानी भारत में लगभग 59% क्षेत्र ऐसा है जो भूकंपीय क्षेत्र से या भूकंप से प्रभावित है, ठीक ना। जिसमें से अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कम जोन वाले क्षेत्र से, कम जोन वाले क्षेत्र से बात करें तो जोन 2 कम होगा और जोन 5 अधिक होगा। इस कलर से बना हुआ है, यानी ये वाला क्षेत्र अगर देखें तो ये राजस्थान, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मालवा पठार का क्षेत्र, ठीक ना, गुजरात, राजस्थान का जो क्षेत्र आता है, साथ ही साथ यहाँ पर उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ठीक ना, महाराष्ट्र का थोड़ा सा क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो यहाँ पर भूकंप कम मात्रा में आते हैं, इस क्षेत्र को जोन 2 नाम दे दिया गया। और यहाँ पर लगभग लगभग यहाँ पर अगर बात करें तो 2 या 3 तीव्रता के भूकंप आते हैं, कितने? 2 या 3 तीव्रता के भूकंप आते हैं। उसके बाद जोन 3 की बात करें तो जोन 3 आपका जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन 3 है, यहाँ पर लगभग तीन से चार तीव्रता के भूकंप आते हैं। कहाँ से कहाँ? 3 से 4 भूकंप तीव्रता के भूकंप आते हैं। और बाबू 4 या 5 कह लीजिएगा, 4.5 होता है वैसे, तो 5 से कम तीव्रता के भूकंप हम महसूस ही नहीं कर पाते। हम इतनी दैनिक क्रियाओं में फंसे हुए होते हैं कि झटके अगर आते भी हैं, कंपन अगर आते भी हैं, तो 5 से कम तीव्रता के कंपन को हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो इस सेकंड वाला एरिया है जो हमने येलो से बनाया है। उसके बाद जो 4th एरिया है, जो केसरिया रंग से इस प्रकार बनाया गया है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये पूरा आप जान रहे हैं, ये हिमालय रीजन है। और हिमालय रीजन में हमने आपको पढ़ाया है कि प्लेटें टकराती हैं और प्लेटें टकराने के कारण वहां पर आज भी भूकंप आ रहे हैं। ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक ना। ये 5वां है, ये गुजरात का, ये भुज का भूकंप सुने होंगे आप, और गुजरात का ये ऊपर वाला कच्छ का रण क्षेत्र ए है। उसके बाद ये पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला, यानी हिमालय का क्षेत्र, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, और ये नेपाल की तलहटी का क्षेत्र, ठीक ना, नेपाल की तलहटी का क्षेत्र, जहां पर भूटान है और भूटान के नीचे बिहार का क्षेत्र है, तो वहां पर नेपाल का क्षेत्र और नेपाल के नीचे जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, जो मैंने लाल कलर से बनाया हुआ है मैप में, ये अधिक आता है, और जो इस हल्के हल्के ब्लू कलर से बनाया है ये कम आता है। तो बस आपको समझने वाली बात यह है कि भारत में लगभग 59% क्षेत्रफल पर भूकंप आते हैं, और साथ ही साथ भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र जो आते हैं वो उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत जिसको बोलते हैं हम लोग, हिमालय पर्वत का क्षेत्र और गुजरात का कच्छ करण। और सबसे कम पूछेगा तो ये मध्य भारत हो गया और ये दक्षिण भारत का क्षेत्र, यहाँ पर कम भूकंप आते हैं, ठीक ना। चलेगा, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये हमारा नंबर है 9125423936। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर इंट्री सुपरटेट लिखकर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, ठीक है मित्रों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक।